आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर आप बिहार डीलेट करना चाहते हैं यानी टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, सेशन 2021 और 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कब से अप्लाई होगा, किसके लिए प्राप्त ये आवेदन प्राप्त है, कब से अप्लाई होगा, कब तक होगा, कब मेगा सूची जारी होगा, कब से मेगा सूची में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कब एडमिशन ले सकते हैं, कब से क्लास होगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। और किसके लिए डीलेट करना हो, मतलब किसके लिए डीलेट करना पात्र है, किसके लिए नहीं है, डीलेट करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया, जिसमें सभी डाइट कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है और पीटीसी के जो बाइट के, ये तीनों को सभी बिहार में जो उसको एक नोटिफिकेशन यानी कि एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आप विषय देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सत्र 2021-22 के डीएलएड कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में, ये चार पेज का पेज है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी बताया गया कोविड 19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप डीएलएड कोर्स सत्र 21-22 में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन हेतु टेस्ट लेने की कतिपय कारणों से असमत व्यक्त की गई है। तो इससे साफ ये पता चलता है कि बिहार बोर्ड इस बार 2021-22 का जो डीएलएड का सेशन है, इसमें ये मार्क विशेष पर एडमिशन लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है टेस्ट लेने में कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त किए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको मार्क विशेष पर ही एडमिशन इस बार भी होने वाला है, एग्जाम इंटरेस्ट एग्जाम इस बार नहीं होगा, ये आप समझिए कंफर्म है। और साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि डीलेड में एडमिशन लेने के लिए इंटर में कम से कम आपका 50% अंक होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त यानी विकलांग के लिए 5% छूट है। अगर SC ST EBC SC ST में आते हैं और हैंडीकेप में आते हैं तो 45% भी है, तब आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उर्दू अभ्यर्थी के लिए भी 50% है, ठीक है, अगर वो विकलांग है तो उसमें भी आपको 5% छूट है, यानी ठीक है उर्दू में भी जो भी मौलवी किए हैं वो एडमिशन ले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा पीडीएफ, ये पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट दिया गया आवेदन प्राप्त करने की, यानी आवेदन शुरू होगा वो हर कॉलेज अलग अलग अप्लाई लेगा अपने कॉलेज की वेबसाइट से। तो यहाँ पे 18 अगस्त से ये अप्लाई शुरू होगा, ठीक है, 18 अगस्त से ये डीलेड 21-22 का एडमिशन का अप्लाई शुरू होने वाला है, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 1 सितंबर को है, यानी कि 18 अगस्त से शुरू होगा, 1 सितंबर को ये अंतिम डेट होगा। और इसकी मेगा सूची की जो बैठक होगी या कमेटी बैठक करेगी कॉलेज, तो वो 9 सितंबर को बैठक करेगी, और इसके जो उसके बाद जो मेगा सूची होगा वो 13 सितंबर यानी कि 13/9/21 को वो मेगा सूची जारी होगा कि जो बैठक होगी मेगा सूची की बैठक, उसका मेगा सूची जारी जो होगा वो 13 सितंबर को मेगा सूची जारी होगा। उस मेगा सूची में आपको कुछ गलत लगता है या आपका नाम नहीं आया तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आपत्ति आप 20 सितंबर से पहले कभी भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपत्ति जो दर्ज होगा उसका निराकरण होगा 27/9/21 तक, यानी कि उस पर समाधान होगा 27/9/21 तक। उसके साथ तो उसके बाद यहाँ पे 30/9 को नामांकन हेतु सूचना जारी कर दिया जाएगा, और 18/10 से एडमिशन शुरू होगा और 19/10 को बंद कर दिया, यानी कि एक दिन का एडमिशन का समय दिया गया 18 को और 19 को, 2 दिन का समय दिया गया एडमिशन का, ठीक है। उसके बाद 19 को एडमिशन का नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर 19/10 से एडमिशन जो स्टूडेंट का हुआ उसकी क्लास संचालन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये था पूरा किस डेट से शुरू होने वाला, वो आप देख लिए 18 से शुरू होगा और कब एडमिशन होगा, कब मेगा सूची निकलेगा, कब से क्लास होगा, ये सारी डेट इस पीडीएफ में बता दिया गया है। जब भी ये शुरू होता है मैं अलग अलग कॉलेज का अलग अलग वीडियो में आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। आज का ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम के चैनल के द्वारा ले सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा।